बच्चे बाप की मत पर चलते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार होता रहेगा, पर चिंतन से अपना श्रृंगार बिगाड़ो मत, टाइम वेस्ट मत करो। क्या करते हैं हम आत्माएं, एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनते हैं और दूसरी तरफ फिर पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं, व्यर्थ चिंतन, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, वो ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, पर चिंतन। किसी भी व्यक्ति से हम लोग बात करने जाते हैं तो उसके विषय में अपने मन में पहले से कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, है ना, ये तो आदमी बेकार आदमी है, इससे क्या बात करना है। इस तरीके से हम लोग कुछ अवधारणा बना लेते हैं और फिर जाके उससे बात करते हैं। तो उससे जब बात हम लोग करेंगे तो कैसा करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वही निगेटिव सोच के कर रहे हैं तो आपके चेहरे में जो निगेटिव भाव आ रहा है वो सामने वाला को मिल रहा है। तो ये पर चिंतन चल रहा था मन में, जो हमारे चेहरे के भाव के रूप में सामने वाले को मिल गया, आपने तो नहीं दिया लेकिन मिल गया। तो हमको पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करना है। बाबा जो हमारा श्रृंगार करते हैं, बाबा कह रहे हैं क्या करते हैं, ज्ञान श्रृंगार करते हैं, बाबा बच्चों का क्या करते हैं, ज्ञान श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार किया जाता है ना, शादी विवाह में कहीं जाते हैं या फिर कोई पर्व त्योहार है तो 16 श्रृंगार करने का गायन है। तो बाबा हम बच्चों को गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, जितने भी गुण बताए गए हैं देवी देवता के, दैवी गुणों से हमारा श्रृंगार रोज करते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक क्लास में आते हैं, मुरली सुनने के लिए आते हैं, मनन चिंतन करते हैं, चाहे बाबा को याद करते हैं, और बाबा बोलते हैं मुझे याद करो मन मना भाव, जैसे ही बाबा को याद करते हैं हमारा श्रृंगार हो जाता है। मतलब हमारे अंदर का संस्कार, जो भी बुरा संस्कार है क्या होता है, हट जाता है। लेकिन जैसे ही बाबा के क्लास से बाहर गए तो परचिंतन प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं, उससे श्रृंगार क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और क्या कहते हैं, बाबा आपकी माया ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाबा कहते हैं मेरी माया थोड़ी है, ये तो अनादि ड्रामा है जो चलता रहता है। तो बाबा आज श्रृंगार के बारे में बताए, हम बच्चों का फर्ज क्या है, हमेशा अपना श्रृंगार को बनाए रखना है, बिगाड़ना नहीं है। बाबा ने कहा शांत स्वरूप भव, एक श्रृंगार कर दिया शांति से, तो वो शांति को हम लोगों को क्या करना है, बरकरार रखना है, ना कि माया के कारण बिगाड़ देना है। माया क्या है, माया से आपका बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग में लड़ने के लिए बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग में आप ही को लड़ना है, कोई दूसरा थोड़ी लड़ेगा, बाबा भी नहीं आएंगे लड़ने, लड़ना आपको है। ट्रेनिंग बाबा देते हैं कि कैसे वहाँ माया से, 5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ाई है, आपको माया जीत बनना है। तो आपका श्रृंगार अगर बरकरार रहेगा तो माया जीत बनेंगे, माया भी दूर भाग जाएगी।